Balihari Gurua इस दुनिया में भगवान एक है मगर उसके रूप बहुत है। हाँ माइक्रोफोन देख रखिए। इस दुनिया में भगवान एक है मगर उसके रूप अनेक है, जिनमें से भगवान ने अपना एक रूप हम सबको अपने अपने घर में दे रखा है। किसके रूप में? माता पिता के रूप। कहते हैं दो शब्द माता पिता के लिए कहना चाहूंगा अगर अच्छा लगे तो। हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को, हर कोई दौड़ता है तरक्की की छाप को और दुनिया में देखता है सिर्फ अपने आप को। एक बाप पाल सकता है 10 बेटों को, एक बाप पाल सकता है 10 बेटों को मगर 10 बेटे मिलकर नहीं पाल सकते इस दुनिया में एक बाप। ऐसे होते हैं हमारे माता पिता। और माँ के लिए कहा जाता है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और अगर माँ दे बद्दुआ तो वो भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझकर पाल लेती है 10 बेटों को एक माँ, बर्तन मांझकर 10 बेटों को पाल लेती है एक माँ मगर बीवी आने के बाद उस बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। तो एक बार अपने अपने माता पिता से प्यार करते हैं, जरा दोनों हाथ उड़ाइए और जयकार लगाइए, बोलिए अपने अपने माता पिता की। इस दुनिया में तीन पहलू होते हैं जो हमेशा हमें अच्छी राह के लिए जाने के लिए सन्मित करते रहते हैं। सबसे पहले हमारे माता पिता और माता पिता के बाद बारी आती है गुरु की। तो आइए सभी अपने अपने गुरु के चरणों में ध्यान लगा के करीब बैठिएगा, मिलकर के गुणगान करते हैं। वो परदेश गया आप उससे सुनाओ हमेशा परदेसी होया रे नितरी नित कलियां रोला कमली करके तेरी मिट्टी कलियां रोला गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। आज इतना अच्छा महोत्सव रघुनाथ धाम में आदरणीय हमारे गुरु महाराज के सानिध्य में रखा गया है और बहुत बहुत आभारी जो गुरुदेव ने मुझे यहाँ गाने का मौका दिया। लेकिन यहाँ जितने भक्त आते हैं सब अपने अपने मतलब के लिए आते हैं कि प्रभु मैं तेरे दरबार में आया हूँ मुझे जरूर ये मिलना चाहिए। लेकिन कहते हैं इतनी आसानी से भगवान के दरबार में आने से कुछ किसी को नहीं मिलता है। कहा जाता है कि रंग भक्ति का कभी फीका नहीं होना चाहिए, ये रंग भक्ति का कभी फीका नहीं होना चाहिए, मेरे गुरुदेव सबको सब कुछ देते हैं बस थोड़ा सा मांगने का तरीका होना चाहिए। सही है ना? जिनको जिनको मांगना है दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तारीफ बजा करके गाइएगा। मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना जगा।
हमारे सभी घर में रहे, क्योंकि जो बजाएंगे ताली उसके घर में बनाएंगे गुरु देव दिवाली ही दिवाली। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला तुम। अगर तुम ना होते ये दुनिया ना होती, अंधेरा मिटाती तुम्हारी शक्ति, अंधेरा मिटाती तुम्हारी शक्ति, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखला तुम। मेरी नाम खबर बोली भगवान लगा देना, खबर बोली भगवान लगा देना, मैं शरण तेरी चरणों में चढ़ा देता अधिकतर हम देखते हैं कोई कहता है मैं चार धाम की यात्रा करने जा रहा हूं, उनको ये नहीं मालूम कि चार धाम यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, चार धाम तो हमारे घर में खुद के। सुबह उठ करके दो पैर अपने पिताजी के छू लो, दो पैर अपनी माँ के छू लो, हो गए चार धाम की यात्रा। लेकिन अगर उनका अपमान करके हम चार धाम की यात्रा करने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं तो भगवान उस यात्रा को सफल नहीं करेंगे। जरा एक हाथ उठाइए अपने पिताजी के लिए और दूसरा हाथ अपनी माँ के लिए जो अपने अपने माता पिता से प्यार करते हैं, और मिलकर के ताली बजा के हाथ किसी का नीचे नहीं हो। सभी मिलकर के जाइए प्रभु के दरबार में। पापी हूं या कपटी हूं, जैसा भी हूं तेरा हूं, पापी हूं या घर बार छोड़ कर जीवन से जब गाने वाले को बुलाया तो हमसे क्यों गवा रहे हैं। एक बार हाथ उठाई जो ऐसा सोच रहे हैं, भाई हमको बुलाया है, हमारा काम रोजाना गाने का है, भगवान
अल्लाह की कृपा फुल बरसती है, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना कुछ मुझे मिले मैं अपने लिए नहीं गा रहा हूँ, मैं जो कुछ गा रहा हूँ आपके लिए गा रहा हूँ, क्योंकि भगवान अगर सुनेंगे तो आपकी सुनेंगे और आपके साथ साथ हो सकता है मेरा दोबारा नंबर लग जाए तो आपके साथ साथ मुझे भी कुछ मिले। तो जिनको भगवान पे भरोसा है मीठी मीठी ताली बजाती रही और बोलिए घर पार तोड़ कर जीवन से खेला हूँ, तेरा है हो
तेरे दर का भिखारी हो मुझे होश में था तेरे दर का भिखारी हो तेरे होश में था मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना भाई आइए अपने अपने गुरु और माता पिता के लिए दोनों हाथ अंतिम पंक्ति बना करके मिलकर के सभी को देना है एहसान जय गुरु देवा बोलो जय गुरु देवा जय गुरु देवा बोलो जय गुरु देवा जय गुरु देवा जिनको जिनको विश्वास है क्योंकि आज इनके दरबार से मान लो ये हाथ उठा करके तो चढ़कर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों हाथ उठाइए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु जरूर आएंगे आपकी झोली जरूर भरेगी दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे सच्ची दरबार की अगर अच्छा लगा हो तो भाई जोरदार ताली बजाइए मेरे लिए नहीं इनके लिए हमारे कृष्णा भाई बोलो जी बहुत अच्छा संगत कर रहे हैं क्या कोई भजन सुनने की फरमाइश हो आपकी हिंदी राजस्थानी मारवाड़ी चलो जा कुमकुम ना चलो हाँ हाँ लो जी